राजनीतिक व सामाजिक उथल पुथल हुई है। यहाँ कई सरकारों को बर्खास्त किया गया है तथा इमरजेंसी भी लगाई गई है, लेकिन इस दौरान भी अधिकांश यहाँ अकाली दली पंजाब की आवाज़ बनकर खड़ा रहा है, जिसके लिए मैं श्री प्रकाश सिंह बादल जी व श्री सुखवीर सिंह बादल एवं अकाली दल के सभी लोगों को भी इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई भी देती हूँ। और आज इस मौके पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पंजाब का सदैव मेरे हृदय में विशेष स्थान रहा है। दशकों से बहुजन समाज पार्टी व पंजाब के लोगों के मजबूत रिश्ते रहे हैं, और वैसे भी पंजाब माननीय श्री कांशीराम जी की जन्मभूमि होने के साथ ही वो महान भूमि भी है जहाँ से उन्होंने अपने जीते जी बहुजन समाज के उत्थान हेतु काफ़ी संघर्ष भी किए हैं, जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही यह हमारे कार्यकर्ता विभिन्न अन्याय व अत्याचार आदि को सहते हुए भी उनके सपनों को साकार करने में पूरे जी जान से लगे हैं। और अब मैं आज ये भी कामना करती हूँ कि अगले वर्ष शुरू में ही पंजाब स्टेट में भी होने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ श्री सुखवीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में बीएसपी व अकाली दल गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बने, जिनको इनके पिता श्री प्रकाश सिंह बादल जी का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। हालांकि श्री प्रकाश सिंह बादल जी का राजनीतिक व संसदीय जीवन काफ़ी लंबा, समृद्ध व आम जनहित को समर्पित करने तथा काफ़ी अनुभवों वाला रहा है, और ये पंजाब स्टेट के कई बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और इन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में यहाँ की जनता की काफ़ी सेवा भी की है। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक माननीय श्री कांशीराम जी के यहाँ श्री प्रकाश सिंह बादल जी से बहुत अच्छे संबंध भी रहे हैं, जिसके बारे में पंजाब स्टेट के लोग भी काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, और यदि वे जीवित होते तो वे भी आज इस शुभ अवसर पर श्री प्रकाश सिंह बादल जी को अपनी शुभकामनाएं जरूर देते। इसके साथ ही इनके अच्छे संबंध होने के कारण ही सन 1996 में जब बीएसपी व शिरोमणि अकाली दल के बने गठबंधन ने लोकसभा चुनावों में पंजाब में 13 में से 11 सीटें जीती थी, तो तब उस समय वहां कांग्रेस पार्टी का लगभग सफाया हो गया था, और अब इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में भी यही इतिहास फिर से जरूर दोहराया जाएगा, और तब फिर कांग्रेस व अन्य पार्टियों का भी जरूर वहां सफाया हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ ही अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि अकाली दल खूब फले व फूले तथा आगे भी खूब बढ़े। अंत में अब मैं श्री प्रकाश सिंह बादल जी व श्री सुखवीर सिंह बादल तथा अकाली दल के इनके सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं आदि को भी एक बार फिर से 100 वर्ष पूरे करने के लिए अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देती हूँ। इसके साथ ही अब मैं यूपी के संबंध में भी ये कहना चाहूँगी कि यूपी में विधानसभा आम चुनाव होने से पहले यहाँ दूसरी पार्टियों के खासकर निष्कासित, निष्क्रिय व स्वार्थी किस्म के लोगों को शामिल करने से किसी भी पार्टी का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि जनता ऐसे घोर स्वार्थी तत्वों को अधिकांश आयाराम व गयाराम ही कहती हैं, साथ ही उस पार्टी को भी अच्छी निगाह से नहीं देखती है। फिर भी मीडिया द्वारा जनता को ये सब हर दिन इसे ऐसे परोसा जाता है, दर्शाया जाता है जैसे ये सब ऐसी कोई बड़ी घटना हो जिससे जनता प्रभावित हो जाए, जबकि उसमें कतई भी सच्चाई नहीं होती है। इसलिए बीएसपी इस किस्म की राजनीति से अपने आप को पाक साफ रखने का भी पूरा पूरा प्रयास करती है,
इसी प्रकार यहाँ कुछ पार्टियों द्वारा एक एक सीट पर कई कई लोगों को टिकट का आश्वासन देकर वे उसकी आड़ में थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठा करके तथा अन्य और भी किस्म किस्म की नाटकबाजी करके साथ ही चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले केंद्र व यूपी की सरकार द्वारा भी आए दिन यह प्रदेश में की जा रही ताबड़तोड़ घोषणाएं, शिलान्यास व अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन एवं लोकार्पण आदि करने से भी इन विरोधी पार्टियों का जनाधार बनने वाला नहीं है, बल्कि यूपी की जनता अब ये सब काफ़ी अच्छी तरह से समझ चुकी है। फिर भी मैं प्रदेश की जनता को ऐसे सभी हथकंडों से सावधान रहने की अपील करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।